नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार के अब तक की बड़ी खबरों को। जीविका दीदियों की तरफ से मिले यूनिफॉर्म को पहनेंगे सरकारी स्कूल के छात्र। सरकारी स्कूल के छात्र अब जीविका दीदी के बनाए स्कूल यूनिफॉर्म को पहनने वाले हैं, जिसका फैसला बीते दिन आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। यानी कि अब सरकारी स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म के पैसे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि जीविका दीदियों के हाथों से बने यूनिफॉर्म को अब पहनेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार जीविका दीदियां पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए यूनिफॉर्म बनाने वाली है। बीते दिन आयोजित इस बैठक में कुल मिलाकर 18 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है। इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए, जिसमें 19 फरवरी से बिहार विधानमंडल का सत्र बुलाने का फैसला भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विधानमंडल का यह सत्र 24 मार्च तक जारी रहने वाला है। गुजरात राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कर्मचारी भर्ती समिति GSERC ने निकाले रिक्तियां। गुजरात राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कर्मचारी भर्ती समिति GSERC ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सहकारी के 5689 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को गुजरात शिक्षक योग्यता परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदक शुल्क की बात करें तो इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सहायक के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 24/1/2021 तय की गई है। वहीं माध्यमिक शिक्षा सहायक के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 27/1/2021 तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.gserc.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। भाजपा अपने कोटे के मंत्रियों के नाम की सूची आज सौंपेगी मुख्यमंत्री को। बिहार में 1-2 दिनों के अंदर कैबिनेट विस्तार होने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद भाजपा आज शाम तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने कोटे के नए मंत्रियों के नाम की सूची सौंपने वाली है। इन नामों पर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी हरी झंडी दिखा दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ ने इसके लिए दिल्ली में डेरा डाला है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा कोटे के नए मंत्रियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। खराब पड़े नलकूप को लेकर हाईकोर्ट ने 3 जिलों से मांगा जवाब। राज्य में खराब पड़े सरकारी नलकूपों को लेकर हाईकोर्ट अब सख्त नजर आ रही है। जनहित में जारी याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 3 जिलों के डीएम से रिपोर्ट तलब की है। मिली जानकारी के अनुसार यह जनहित याचिका विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पटना, सारण और वैशाली के जिलाधिकारी से जवाब की मांग की है, जिसके बाद चीफ जस्टिस संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता विकास चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खराब पड़े नलकूपों को लेकर रिपोर्ट की मांग की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया है कि इन 3 जिलों में सिर्फ 3 नलकूप ही काम कर रहे हैं। देवघर की तर्ज पर गया के विष्णुपद मंदिर का प्रबंधन करने की शुरू हुई तैयारी। देवघर के वैद्यनाथ मंदिर के तर्ज पर गया के विष्णुपद मंदिर का प्रबंधन किया जाएगा। गया के विष्णुपद मंदिर से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को पर्यटन और पर्यावरण आगे आने की नसीहत दी है। इस बाबत पटना हाईकोर्ट ने आगे कहा है कि देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर प्रबंध समिति के तर्ज पर एक बड़ी स्कीम बनाने के बारे में विचार किए जाने की जरूरत है। स्कीम में स्थानीय प्रशासन और पंडों की सहभागिता से सभी कुछ प्रतिबंधित किया जाना अनिवार्य है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, गया के विष्णुपद मंदिर की बदहाली को लेकर और प्रबंधन पर दायर जनहित याचिका के ऊपर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है। बिहार बोर्ड ने कदाचार को लेकर सुनाया अपना फैसला। बिहार बोर्ड ने साल 2021 में होने वाली परीक्षा में सख्ती दिखाने का फैसला लिया है। बिहार बोर्ड ने परीक्षा में छात्रों के कदाचार को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत बिहार बोर्ड ने परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को 2 टूक नसीहत दी है, जिसके तहत बोर्ड ने यह साफ कहा है कि कदाचार परीक्षा का संचालन करवाने के लिए बिहार बोर्ड की परीक्षा में नकल करने वालों को जुर्माना और जेल दोनों की सजा झेलनी पड़ सकती है। और बिहार बोर्ड ने इसको लेकर यह तय किया है कि अगर परीक्षा में कोई छात्र नकल करते पकड़ा गया तो उसे 2000 का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच होने जा रहा है। बेल्ट्रॉन से ट्रेड अभ्यर्थियों को मौका देने की तैयारी में जुटी सरकार। बेल्ट्रॉन से ट्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर को राज्य सरकार जल्द ही एडजस्ट करेगी। बेल्ट्रॉन के पैनल में सूचीबद्ध डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ने आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की है, जिसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ने उप मुख्यमंत्री को बताया है कि बेल्ट्रॉन के पैनल में सूचीबद्ध होने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। इस मामले में तत्काल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सुधार सचिव के अपर मुख्य सचिव से बात
की है और इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी दौरान कई जिलों से आए डेटा एंट्री ऑपरेटर उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे मनीष मेहरोत्रा की। मनीष मेहरोत्रा का जन्म आज ही के दिन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। मनीष मेहरोत्रा भारत के एक शेफ है। उन्होंने NDTV गुड टाइम्स वीर संघवी अवार्ड 2010 और 2012 के सर्वश्रेष्ठ शेफ HT सिटी क्रिस्टल अवार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस बेस्ट शेफ ऑफ द ईयर द्वारा टेलीविजन कुकिंग गेम शो सहित कई पुरस्कार जीते हैं। वो हाल ही में मास्टर शेफ इंडिया 2015 में अतिथि शेफ के रूप में भी आए थे और उन्हें अवार्ड ऑफ एक्सकोफियर डिसिप्लिन में शामिल किया गया है। मेहरोत्रा कॉर्पोरेट शेफ है जो ओल्ड वर्ल्ड हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड के लिए लग्जरी डाइनिंग है। इतना ही नहीं, वो नई दिल्ली में भारतीय सेंट के प्रमुख भी है। BPSC ने सहायक अभियोजन पदाधिकारी परीक्षा की तारीख की घोषणा। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख तय कर दी है। सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 17 फरवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 7 जिलों में आयोजित की जाएगी। सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 1 सप्ताह पूर्व BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए लगभग 125 परीक्षार्थियों ने गलत तरीके से आवेदन भरा, इस वजह से उनके आवेदन को रद्द कर दिया गया था। विधानमंडल का बजट सत्र 19 फरवरी से 24 मार्च तक रहेगा जारी। बिहार विधानमंडल का पहला बजट सत्र 19 फरवरी से शुरू होने वाला है और 24 मार्च तक जारी रहने वाला है। लगभग एक महीने तक जारी रहने वाले इस सत्र में कुल मिलाकर 22 बैठकें होने वाली हैं। इस दौरान 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट सदन में पेश किया जाना है। मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सत्र के पहले दिन राज्यपाल फागू चौहान विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे, जिसके बाद पहले दिन सरकार सदन में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करने वाले हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय से जारी निर्धारित कार्यक्रम की माने तो 20 और 21 फरवरी को बैठक नहीं होने वाली है। वहीं 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट सदन में पेश किया जाएगा। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वाद विवाद भी होगा, जिसके बाद यह बैठक 24 मार्च तक जारी रहेगी। शिवानंद तिवारी ने सुशील मोदी का किया घेराव। कृषि कानून को लेकर जारी विरोध की आज बिहार में भी लगातार देखने को मिली है। वहीं अब एक बार फिर से कृषि कानून को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके तहत राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि किसान आंदोलन पर सुशील मोदी जी का ताजा आरोप यह देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी फंडिंग कर रही है। राजद उपाध्यक्ष ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पहले सुशील मोदी ने कहा था इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानियों का हाथ है। बोलने की आदत ने सुशील जी के व्यक्तित्व को अगंभीर बना दिया है। सुशील जी बताए कि 3 कृषि कानून पर अध्यादेश लाने से पहले क्या राज्य सरकार से सहमति ली गई थी। पटना से चंडीगढ़ के लिए इंडिगो की फ्लाइट आज से भरेगी उड़ान। आज से पटना से चंडीगढ़ के लिए सीधी फ्लाइट सेवा की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत आज से इंडिगो की नई फ्लाइट 6E718 उड़ान भरना शुरू कर चुकी है। इसके साथ ही सूरत से पटना आने के लिए पहली बार गुरुवार से स्पाइस जेट की सीधी फ्लाइट SG407 शुरू होगी, जिसके बाद यह सप्ताह में 3 दिन यानी कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सूरत से पटना आने वाली नई फ्लाइट आएगी, जबकि पटना से चंडीगढ़ के लिए हर दिन फ्लाइट उड़ान भरने वाली है। अभी तक पटना से सूरत के लिए सीधी फ्लाइट नहीं है। सूरत से आने के बाद पटना से यह फ्लाइट कोलकाता भी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चिराग ने कसा तंज। बिहार में अचानक से बढ़े अपराध ने सरकार के नाक में दम करना शुरू कर दिया है। वहीं इन आपराधिक मामलों के कारण सरकार की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके बाद सरकार को विपक्ष की तरफ से कई तरह की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में अब NDA का हिस्सा रह चुकी लोजपा ने भी टिप्पणी करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अपना बयान जारी किया है और कहा है कि प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक मामलों के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं, सीएम के पास गृह मंत्रालय भी है, इसके बावजूद वो अपराधों को होने से नहीं रोक पा रहे हैं। अमिताभ बच्चन की अपील के बाद शिवराज सरकार ने उठाया यह कदम। KBC 12 के सीजन में अब तक कई कंटेस्टेंट देखने को मिले हैं जिन्होंने अपनी कहानियों से लोगों का दिल छू लिया है। ऐसा ही एक वाक्य हाल ही में KBC 12 के मंच पर देखने को मिला, जब हॉट सीट पर मध्य प्रदेश के मंदसौर में रहने वाले एक पुलिस कांस्टेबल विवेक परमार ने अपनी परेशानी बिग बी के साथ शेयर की। विवेक ने बताया था कि वो और उनकी पत्नी प्रीति दोनों मध्य प्रदेश सरकार के एक ही विभाग में काम करते हैं, लेकिन उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पर हुई है। पति विवेक मंदसौर में और पत्नी प्रीति ग्वालियर में रहती है। ऐसे में दोनों को मजबूरन एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है, जिसके बाद अमिताभ बच्चन की गुहार के बाद MP सरकार की तरफ से विवेक परमार की पत्नी प्रीति सिकरवार के ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया है।
रवि शास्त्री ने ऋषभ पंत को देश से बाहर खिलाने की बताई वजह। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए बॉर्डर गावस्कर सीरीज को भारत ने बड़े ही शानदार तरीके से जीता है। वहीं आखिर मैच को जिताने का श्रेय ऋषभ पंत को भी जाता है। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को अपनी खराब विकेटकीपिंग के लिए कई बार काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा गैर जिम्मेदार शॉट्स सिलेक्शन के लिए भी वो आलोचकों के निशाने पर रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सबकी बोलती बंद कर दी है। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर उन्होंने नॉकआउट 89 रनों की शानदार पारी खेली, टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत भी दिलाई और इसके लिए हेड कोच रवि शास्त्री ने उनकी जमकर तारीफ की है। साथ ही उन्होंने बताया है कि क्यों भारत से बाहर पंत को खिलाना उन्हें बहुत पसंद है। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में घूमने के लिए कौन से 3 जिले सबसे बेहतरीन है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।